हुज़ बिल्लाह मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलामु अलैकुम वीवर। अल्हम्दुलिल्लाह सी ठीक है, उम्मीद कर दी हैं तुसी भी ठीक होवोगे। ते अल्लाह ताला थोड़े ते रहमत करे, करोड़ा अरबा खरबा खुश रहो, आबाद रहो, शाद रहो। ते इस दुआ, इस नेक दुआ दे सदके मैं अज ना ये वीडियो शुरू करन लगी हाँ। अज मैं थानू विखा रही हाँ दलिया बनाना, बे घर विच ना दलिया किस तरीके नाल बनदा है। बाजार दे लोग दलिए खांदे ना, मैं ना इस तरीके नाल देसी तरीके नाल बना रही हां, घर दा दलिया अपना बना रही हां। भी आ तबीयत सेहत खराब होवे ना तो उहदे वास्ते बहुत अच्छा हुंदा। मेरी भी थोड़ी जी तबीयत खराब है ते मैं उहदे वास्ते बना रही हां। ते ऐ वेखो मैं चुल्हे दा फ्लेम ऑन कर दित्ता ते कढ़ाई मैं उत्ते रख दित्ती है। ते गंदम दे दाणियां दा मैं दलिया बना रही हां। पहले साडियां वड्डियां माइयां ना इस तरह बना दियां। ए वेखो ना जे कढ़ाई सही गर्म नहीं हुई, चंगी गर्म हो लवे ते फिर मैं दाने विच पावांगी। ए हुण वेखो मैं ना चेक कर लिया कि कढ़ाई साडी सही गर्म हो गई है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ए हुण मैं दाने विच पा दित्ते गंदम दे, ते हुण असीं इन्हां नूं ना हलाण लगे जी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वेखो किस तरह माशाला साडे दाने जेडे ना गंदम दे चटे करे। गरम कढ़ाई विच पावण नाल ना जल्दी जल्दी फिर फुल जांदी गंदम। बस इन्हां नूं हल्का हल्का ही भुनना हुंदा, थोड़ा 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 स्टीम करना पैंदा। ए वेखो माशाला एक पूर साडा बुझ गया ते असीं हुण दूसरा पूर पा दित्ता। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ए वेखो साडे माशाला दो पूर भुज गए, हुण असीं फिर पाण लगे जे तीसरा पूर। थोड़े थोड़े करके भुनने हुंदे ते क्यों जेड़ा ना ए वेखो माशाला किवें आवाज आ रही दाणे भुजदिआं दी, दाणे चटकण दी, चटक रहे दाणे। वेखो किन्ने अच्छे चटक रहे। वेखो माशाला असीं ये घर दलिया तैयार कर रहे हैं। मैनू बाजार का दलिया अच्छा नहीं लगता, मैं क्या देसी तरीके नाल जिस तरह पहले साडियां वड्डियां माइयां बनांदियां सी ना, जूम करके विखा रही इस तरह असीं दलिया तैयार करदे आं ते अपने वीवरां नूं वी विखाने आं वी इस तरीके नाल देसी तरीके नाल। इहदा टेस्ट भी बहुत अच्छा हुंदा ते बड़ा अच्छा हुंदा है। ऐ वेखो माशाला तीन पूर साडे तैयार हो गए। ऐ वेखो आखरी पूर साडा दाणियां दा रह गया ते ऐ हुण असीं ये भी पा दित्ता है। ते बस हुण दाणे साडे रेडी हो गए, भुज गए नूं ते फिर असीं इहनूं कुटांगे, फिर तुहाडे नाल शेयर करदे आं। ऐ वेखो माशाला हुण साडे दाणे तैयार हो गए ते असीं हुण ना इहनां नूं ऐ मिट्टी दी दौरी है ते ऐ वेखो ਇਹ ਰੰਗਲਾ ਡੰਡਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਕਮਰਾ ਚ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਾ ਮੇਰੇ ਜੇਜ ਦਾ ਜੇ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਢਿਆ ਨਵਾਂ ਡੰਡਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ। ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਦੌਰੀ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਡੰਡਾ ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਦਲੀਆ ਬਣਾਉਣ ਰਹੀ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀ। ਅੱਧੇ ਅਸੀਂ ਕੁੱਟਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਧੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸੀ ਸਟਾਈਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਲੀਆ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
वेखो माशाल्लाह कितना अच्छा दलिया कुटी गया, कितना अच्छा बन रहा साडा दलिया। ते तुसी भी इस तरीके नाल घर बनाया है कि लोग पहले मेहनत इस तरह करते हैं, हर चीज उंज लोग बनाते हैं, देसी तरीके नाल हर चीज बनती है घर में। पर पहले लोग मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं, हुण दे असी जो लोग जेड़े है ना लोग हुण असी ना नहीं मेहनत कर सकते। पहले आलियां औरतां जिहड़ियां ने बहुत मेहनत कर दियां घर में देसी चीजा बनानिया। उस टाइम मशीना का दौर नहीं सी, दौरी डंडिया का दौर सी, दौरी डंडिया में हर चीज बनाते हैं लोग देसी तरीके नाल। हुण भी बंदा मेहनत करे हुण भी एक एक चीज देसी तरीके नाल बन सकती है। मैं वेखो अं किस तरह असी बना रहे हैं, अं जो बना दिया सी वेखो भी बार हूं साडा दलिया जेड़ा ना कुटिया गया तैयार हो गया है। असी दौरी डंडे विच पीस लिया है ते हुण ना असी इनू विच इस कंटेनर इस डब्बे दे विच पाऊंगा, जितना क बनाना है उतना क बना लवांगे ते बाकी दा जेड़ा ना इन दे विच महसूस करके रख लवांगे कि फ्रिज च भी पिया रहे ना, तो फिर इनू कीड़ी तो नहीं लगनी, क्यों ये दाने भुन्ने हो कच्चे तो दाने नहीं है, फिर भी फ्रिज च रखो तो भावे सालों साल भी पिया रहे ना तो खराब नहीं होता। थोड़ी जी आवाज मेरी साफ नहीं है कि मेरा गला खराब है, इस वजह तो आवाज मेरी जेड़ी ना खराब खराब आ रही है। वेखो भी वार असी ना हुण कंटेनर विच पा दिता डब्बे विच, प्लास्टिक का डब्बा है मैं कि दौरी बिलकुल माशाल्लाह साफ सुथरी कर लई है, बर्तन साफ किते करो, सफा साफ करन विच ना बरकत होंदी है बहुत ज्यादा। इन्दे विच असी हुण महफूज करके रख लिया है, हुण जितने की सानू जरूरत होई असी बनावांगे, दुआ पिया रहेगा जदों जरूरत फिर पवेगी फिर बना लवांगे। इन्दे बड़ी अच्छी महक आ रही है, दाने भुन्ने हो इन्ना ते इस तरह लग रहा है कि बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है इन्हें दाने भुने होया दी। जे दाने भुन के असी दलिया बनाया है ते तुसी भी इस तरीके नाल बनाया करो दलिया, घर बनाया करो घर देसी तरीके नाल देसी स्टाइल नाल घर बनानिया, मेहनत करना अल्लाह पाक राजी होंदा है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ऐ वेखो वी वार हुण मैं ना दलिया बनाण लगी जे, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, चुल्हे दा फ्लेम मैं ऑन कर लिया है। पानी उत्ते रख दिता, क्यों पानी इस तू रखे है कि दाने तो साडे बुझे हो, दाने साडे कच्चे तो नहीं है, ते बस पहले शरबत इनका बना लेना ते फिर वेच इन सुट देना, फिर चमचा लेंदे रहना, बुनना तो नहीं है इनू, पहले ही असी बुन के बना दिता। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आ वेखो वी वार मैं ना अद्ध एक पा मक्खन घी विच पा दिता, मक्खन घी बहुत अच्छा होंदा सेहत वास्ते भी, नाले इस दलिये में ना बड़ा अच्छा लगता है। मैं घी आला बना रही हूँ, दुध आला नहीं बना रही, ये घी आला ते चीनी आला ही अच्छा लगता है। हुण इन थोड़ी देर बॉयल आवेंगे फिर एदे विच चीनी पावांगी मैं। ऐ वेखो भी वह रद पा मैं वेचना ए चीनी पा रही हूं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, फिर चेक करांगी, तुसी अपने टेस्ट दे मुताबिक पा लिया करो जितनी खच्ची किसी ने लगती हो। इस तरह ही समझ लो कि जिवें हलवा टाइप बनता है ना, वो हलवे दे आटा जेड़ा सूजी होवे आटा होवे बाद विच भुनिया जांदा ते पहले ही गंदा मसा भुन के ते फिर असी तैयार किया दलिया। मैं पीढ़ी नाल फट्टी में रखी हुई है कि चूल्हे नूं ना साडे नूं परू हवा पौंदी है, सिलंडर आला चूल्हा है ना, सिलंडर इस्तेमाल कर रही हां। देखो जरा जूम करके वेखो, मक्खन मक्खन घी पाया, मक्खन वो भी अपनिया मझां दा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वेखो भी बार साडा हुण ना घी ते चीनी वाला शीरा तैयार हो गया,
जिस तरह हलवे का शीरा बनता है इस तरह ही भी बन रहा है ना। असि शरबत बोलते हैं तो शीरा बोलते हो, तो यह हूँ असं दलिया पाते पे पा दलिया। बिस्मिल्लाह रहमान है। वेखना इस तरीके ना ना इन्हू हिलाई रखना नाल नाल भी ये ना बिच बने ना रोड़ियां गिलतियां ना बने। ये 1.5 लीटर मैं पानी रखे, मैं थोड़ा जा ज्यादा बना रही हूँ, फिर वो सारे का दिल करता खावन वास्ता। वीवारा वेखो माशाल्लाह कितना अच्छा साडा हलवा दलिया तैयार होया पिया है। किस तरीके नाल मैं बनाया, देसी तरीके नाल, देसी स्टाइल नाल। ये ताकत आला भी बहुत होंदा ही ने, ते इस तरीके नाल बना के खाओ तो बहुत अच्छा होंदा। देसी घी विच देसी गंदम दा आटा, गंदम भुन के ते दाने भुन के तैयार करके घर असी बनाया। वेखो माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आया है। देसी चीजा में जेड़ी देसी चीजा की लोग के ना वो किद भी नहीं है। मैं वेखो जरा जूम करके थानु विखावा, वेखो कलर कितना प्यारा है कि वो गंदम बुझ गई है ना साड़ी, ते वो बुझी हुई गंदम का कलर कितना प्यारा आ रहा। बस हूँ थोड़ी देर तक ना ये रेडी हो गए, ज्यादा ना ठेक नहीं करना कि क्यों ये पतला पतला ही अच्छा लगता है। नहीं एक महीने पले माशाल्लाह वेखो भी बार किस तरह बुबले छड़ रहा, जिमें हलवा बनता है बिलकुल हलवे टाइप का ही होंगे, हलका जहन पतला पतला बना तो नमकीन भी बन जाता है। जरूरी तो नहीं मिठे वाला बनाओ, अपनी मर्जी है, नमकीन बना लो ता मिठा बना लो ता, बल्कि मिठा अच्छा ज्यादा लगता है। ये मरीज नु ताकत भी बड़ी देता है कि खास गंदम भुन्नी हुई है खालिस देसी घी विच। वेखो माशाल्लाह दलिया साडा हुण रेडी हो गया है। हुण चुल्हे का फ्लेम असी बंद करन लगे जे, ते हुण इहनू ढांप के थोड़ी देर रख दे आं, ते फिर तुहाडे नाल नू सल्फ करके ना तुहाडे नाल शेयर करदे आं, वी खांदे आं। वेखो माशाल्लाह कितना अच्छा कितना मजेदार टेस्टी, इन्हू हलवा समझ लो ता दलिया समझ लो ता, पतला पतला मैं किस तरीके नाल घर दे दाने तैयार करके माशाल्लाह बनाया। तुसी भी इस तरीके नाल इस रेसिपी नू फॉलो करो ते बनाओ। ते अज दी वीडियो दा असी कर रहे हैं एंड, ते साडी वीडियो नू लाइक भी किया करो, शेयर भी किया करो, तो सबसक्राइब भी किया करो, तो एंड तक साड़ी वीडियो वेखी करो कि तुहानू नवी नवी वीडियो मिलती रहेगी, तो सानू हौसला अफजाई मिलता रहेगा कि नवी नवी वीडियो थोड़े अले बार वक्त पहुँचती रहेगी। साड़ी जेड़ी भी असी नवी वीडियो बनाई, तुसी साड़े चैनल ते नवे हो तो साड़े ना चैनल नू सबसक्राइब जरूर करिया है, तो वीडियो एंड तक वेखी करो। तो अल्लाह हाफिज़, तो फिर नवी वीडियो नाल मिलांगे।